अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। घर घर ईद के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में हाजिर खिदमत हैं और हमने इस बार डायरेक्ट एंट्री मारी है एक किचन के अंदर। और ये किचन जिस पर्सनालिटी का है ये तो मैं इतनी जल्दी रिवील नहीं करूँगा। वो ऐसी पर्सनालिटी है, वैसे तो कहते हैं कि मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहाँ बहुत सारी ख़वातीन हैं, उन ख़वातीन में से एक बड़ी एक्टिव ख़ातून हैं, असम्बली के अंदर मौजूद हैं, दूसरी बार असम्बली का हिस्सा है, MP है PTI की, और हम इन्हें गरजता बरसता भी देखते हैं, TV के ऊपर आती जाती रहती हैं, असम्बली के अंदर भी बहुत ज़्यादा तहरीक अल्तवाए कार भी जमा कराती हैं, सेशंस में भी भरपूर बोलती हैं, और PTI के लिए इनकी जद्दोजहद भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर इस वक्त हंडिया में से कोई सालन उंडेलते हुए जो खातून आपको दिखाई दे रही है, लीजिए जनाब, अब इनसे कौन वाकिफ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमने तो डायरेक्ट आपके किचन के अंदर जो है एंट्री मारी है। बहुत अच्छा लगा आपका अचानक आना और यूं किचन में एंट्री मारना। And we are really honored कि आपने हमें अलाउ किया कि हम आ जाएं। और हम दिखाना चाहते हैं कि सादिया सुहेल साहिबा जो टेलीविजन के ऊपर शायद किसी जगह बहुत सख्त और PTI का स्टांस लेकर और डिफेंड भी करते हुए नजर आती है, वो कितनी सुगढ़ और कितनी घरेलू खातून है। तो मैडम क्या बना रही हैं? देखिए जी, एक तो चिकन का सालन स्पेशल, इसमें पीनट्स होते हैं मैश करके शोरबे में, इसके सालन में ये एक बच्चों को पसंद है। और दूसरा ये काबली पुलाव है। अच्छा, वो निकाल रही थी डिश में, आप भी खा के जाइएगा। काबली पुलाव बना रही हैं आप? जी, ये काबली पुलाव है जिसमें मेवे भी होते हैं और वाइट चने भी होते हैं, मुर्ग भी होता है, और ये जरा डिफरेंट रेसिपी होती है। तो ईद के मौके पे जब डिनर की बात आती है तो क्या हर ईद पे काबुली पुलाव ही बनता है? नहीं, हर ईद पे डिफरेंट होता है। अच्छा। और डिमांड होता है बच्चों का, कभी कोई हलीम का होता है, कभी नहारी, कभी पाए, कभी आलू गोश्त, कभी स्टू, बहुत सारी चीजें, कभी बिहारी कबाब बहुत शौक से खाते हैं, दम वाले कबाब, कोफ्ते, अंडे, मुख्तलिफ। तो आपको बनाने का ही शौक है या खाने का भी इतना ही शौक है? फूडी भी है? मैं टू मच नहीं खाती, मतलब सेहत से तो लगता है बहुत खाती होंगी, लेकिन मेरा यह है कि अच्छा खाना, कश्मीरी है ना, क्या करें, अच्छा खाना खाए बगैर असी भी बट होने हैं, तो वो फिर खाना का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक कश्मीरी तो वो भी है जो आपके मुखालिफिन है, मुखालिफ जमात में भी कश्मीरी बहुत है। शहर वाले ऐसे जम्मू कश्मीर हो आए हैं। यानी तुसी कह रहे हो ऐसी असली कश्मीरी है? असली कश्मीरी। बिल्कुल सही। तो ये कश्मीरियों की मरगूब गिजा है काबुली पुलाव। हाँ जी, लेकिन ऐसे गोश्ताबे और दम शब्देक जो है वो कश्मीरियों के मशहूर खाने हैं। शब्देक जरा सर्दियों के मौसम में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, तो ये ईद के ईद ही होता है ये किचन को आपकी ज्यारत या के होती रहती है? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती थी और 24 घंटे किचन में नज़र आती थी, अब क्योंकि टाइम कम होता है इसलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग ईद त्योहारों पे और ख़ास मौक़ों पे या बच्चे किसी दिन फरमाइश करें तो उस दिन होता है, अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं होता इतने सारे काम इकट्ठे। किचन से मोहब्बत कम हो गई? हाँ, लेकिन मुझे किचन से मोहब्बत बहुत है, लेकिन टाइम उतना नहीं दे पाती। वो एक शेर है ना, वो कहते हैं कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। क्या बात है। तो इसका मतलब आपने हुकूमत की है? आपने हुकूमत की, आपने इश्क विश्क के चक्कर में नहीं बढ़े आप। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप खुद से ये सब कर लेती हैं। मैं 60 लोगों का भी खाना बना सकती हूँ, देख भी बना सकती हूँ, आधी रात को मेहमान आ जाए घर में, कोई चार ऊट पटांग चीजें उनको मिला के सब मुझे कहते हैं कोकअप खवा जा, हमारी बड़ी अच्छी कुक है कि कुछ भी हो कुछ ना कुछ तो बना ही देती हूँ। बिल्कुल सही है। तो ये जो मुझे बर्तन राइट लेफ्ट नजर आ रहे हैं, कभी ऐसी नौबत भी आती है कि इस कैबिनेट से निकाला उससे निकाला और बर्तन वर्तन कहते हैं ना बचते होते हैं घरों में, तो कभी बर्तन वर्तन खड़कने का भी मौका आया? वैसा वाला खड़कने वाला मौका तो नहीं आया, लेकिन खड़ा किया होगा भी आपने इस किचन के अंदर से उठा के चीजें मारी हो। मैं तो बिल्कुल किस्म की नहीं हूँ। अच्छा। आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन, अमन की मैं एक पुजारी हूँ। अच्छा। और मैं इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करती मार धार से। हाँ, वैसे मैं बड़ी दबंग हूँ, असेंबली का फ्लोर हो कहीं भी कोई मौका हो तो फिर आस्तीने चढ़ा लेती हूँ। हाँ, फिर निकल पड़ते हैं। ईद के मौके पे खाने की बात हो तो क्वालिटी या फिर क्वांटिटी? क्वालिटी, क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी इतना मतलब क्वांटिटी होती है लोगों के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी फूड की ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। यानी आप कहती हैं कि क्वालिटी हो और तिश्नगी रह जाए लोग उंगलियाँ चाटते रहे। नहीं नहीं, खाना भी पेट भरो, मुझसे तो कम पकता ही नहीं है, ज़्यादा ही मुझे पकाने का शौक है। जो हमारे लाहौरिये देख रहे हैं ना मैडम, ईद के मौके पे पाए, नहारी, नान और पता नहीं कैसे कैसे नानों भी बहुत सारी टाइप्स, और ये बहुत ज़्यादा फूडी लोग हैं हमारे,
और आपने काबुली पुलाव बनाया हुआ और ये निहारी और पता क्या रोजे के बाद ना अगर आप एकदम से हैवी खाना शुरू कर दे ना अगले दिन से ही तो वो फिर स्टमक की प्रॉब्लम्स बहुत होती है, फिर ज़्यादातर लाहौरी एंड अप होते हैं हॉस्पिटल में, ड्रिपें लग रही होती हैं, पेट खराब हुए होते हैं, तो इसलिए स्टार्ट जरा लाइट करना चाहिए थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि स्टमक इशू बहुत सीरियस इशू होता है और ये एकदम से आप ब्रेक के बाद आपको रोजे की एक आदत पड़ी होती है और उसके बाद एकदम मुरगन खा लें आप। जहाँ नून लीग में मैंने देखा खाबों के शौकीन बहुत है, वहीं खान साहब भी अच्छा खान साहब क्वालिटी खाते हैं, खान साहब देसी मुर्ग खाएंगे, साफ सुथरा बकरे का गोश्त पिए खाएंगे, नहीं खाएंगे तो सारा दिन नट्स का लेके उसी पे गुजारा कर लेंगे, ऑलिव ऑलिव्स क्या कहते हैं खाएंगे, वो जैतून खजूर खाएंगे, दूध पिएंगे, वो अच्छी खुराक खाते हैं। बिल्कुल सही जी, सादिया साहिबा का खाना क्योंकि पक के रेडी हो गया है तो हम ज़्यादा वक्त किचन में इनका नहीं लेंगे, गर्मी की शिद्दत भी बाहर ज़्यादा है, तो ज़रा अंदर चलते हैं देखते हैं कौन कौन आया हुआ आज इनसे ईद मिलने के लिए और वो इनके बारे में क्या कहते हैं, आइए मेरे साथ। तो जनाब खाना वाना पककर तैयार हो गया है और खाने वाले भी आ गए हैं, खाने वाले तो पहले से ही मौजूद थे, बस पकने का इंतज़ार किया जा रहा था और सादिया साहिबा ने जितने खूबसूरत अंदाज में बनाया है और बज़ाहिर भी शक्ल से भी बहुत यम्मी लग रहा है, हमारी तवक्कुआत के बरक्स जो है सादिया सुहेल साहिबा बड़ी उमूर खानादारी भी उसी तरह से सर अंजाम देती है और बड़ी सुगड़ वाकई हुई हैं, इसका क्या राज है ये तो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ कौन कौन मौजूद है ज़रा तारुफ तो कराएँ ना जी। ये हैं मेरे हस्बैंड शाहिद सुहेल राणा और वो मेरी छोटी बेटी फातिमा सुहेल। आपको भी हम वेलकम कहते हैं और आपको भी ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों, और घर पे मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं तो खुशियां वैसे ही दुबाला हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि सुहेल साहब से मैं पूछता हूँ कि आपको इनकी बनाई हुई कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? देखिए ये जब भी बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि ईद की ईद बनाती हैं? कुछ ऐसा ही है क्योंकि इनकी मसरूफियात जिस हिसाब से बढ़ गई हैं तो उसमें कम हो गया, लेकिन शी हैज़ ऑलवेज बीन अ वंडरफुल कुक। अच्छा, हाँ जी, डिलीशियस फूड्स बनाती हैं, डिफरेंट किस्म की, मतलब बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, हलीम बड़ी अच्छी बनाती हैं, ये वो अपना काफ़ी सारी अच्छी डिशेस बनाती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ऐसी डिश आपको याद नहीं आ रही है कि जो बहुत अच्छा बनाती हैं? नहीं, वो तो है, बिहारी कबाब इनके बहुत ही लजीज होते हैं। सियासतदान तो वैसे एक और चीज़ है जो बहुत अच्छा बना लेते हैं वो बातें बनाते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, बातें भी बनाते हैं और कभी कभी बेवकूफ़ भी बना देते हैं होता है ना ऐसा? होता है लेकिन घरों में नहीं होता वो। अच्छा। शायद सियासत की हद तक ही होता है, घरों में शी इज़ ऑल्सो वंडरफुल हाउस वाइफ। आप की बहुत ज़्यादा चलती है घर में, तो जैसे सुहेल साहब कह रहे हैं, अब्बा कह रहे हैं कि सादिया साहिबा कभी कभी बना लेती हैं ना और बहुत अच्छा बनाती हैं, तो फिर नॉर्मली कौन बनाता है, सच बताना है? नॉर्मली तो वो घर पे है, मेड है शर्मा जी, लेकिन वो मेड नहीं है, वो इस तरह जैसे घर का हिस्सा है और हम बचपन से उनके साथ ही बड़े हुए हैं और वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनको बेस्ट ट्रेनिंग मिली हुई है मम्मा से। आप सच क्यों नहीं बता रही कि कभी कभी बाबा भी बनाते हैं, अच्छा बनाता है? नहीं नहीं, बाबा तो नहीं, बाबा दूध का गिलास पानी नहीं पीते। अच्छा, ये डोमिनेंट कौन है दोनों में से, घर में किसकी ज्यादा चलती है? दोनों की चलती है तो, क्योंकि इनने एक इक्वल वो रखा हुआ है कि कुछ डिपार्टमेंट्स बाबा के हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स मामा के हैं, और हमने जैसे ये है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मम्मा के पास मैं ज़रा रिक्वेस्ट लेके जाती हूँ, मेरी बड़ी बहन बाबा के पास आती है, हमने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन दोनों को सौंपे हुए हैं। चले मैं फिर और तरह से आता हूँ, मौशी डिपार्टमेंट किसके पास है? वो भी आई थिंक शेयरिंग भी है क्योंकि दोनों ने मिलके करना होता है, क्योंकि ग्रोसरीज और ये चीज़ें आई थिंक मम्मा बेहतर जानती हैं वो सारा कुछ, और बाकी बाहर के मैटर्स फाइनेंशियल जो होते हैं वो बाबा बेहतर जानते हैं, दोनों मिलके ही हैंडल करते हैं। ईदी सबसे ज़्यादा किस तरफ से मिलती है, इस एंड से ज़्यादा मिलती है या उस एंड से ज़्यादा मिलती है? ईदी देनी पड़ जाती है कभी को आपको देनी पड़ती है? नहीं नहीं, मतलब ये होता है कि जैसे कजिन्स वगैरह के साथ मिलके किसी बड़ों शहरों ने दे दी तो फिर मम्मा को पकड़ा दिया, बस फिर वापस नहीं मिलने वाली। वापस ही मिलती है ये बात हुई, मतलब ये तो बड़ी सियासी ईद हो गई है ये तो सियासत, ये तो टिपिकल सियासतदानों वाली ईद है। तो आपको भी बचपन में ऐसी मांगनी पड़ती थी ईद बड़ों से या
खुद ही मिल जाती थी? पहले तो बड़ी छोटी ईदी पे राजी हो जाते थे, 100 रुपया पकड़ा दिया, 50 रुपये पकड़ा दिए और हम बड़े खुश। आजकल के बच्चे तो हज़ारों में बात करते हैं और फिर हमें भी तो देनी होती है, ये इकट्ठी कर लेते हैं और देनी हमें पड़ती है सबको। आपको बचपन में कितनी ईदी मिला करती थी? हमें उस वक्त तक तो इतना नहीं था, बहुत बड़ी ईदी मिली तो 500 मिलती थी। अच्छा, उससे ज़्यादा तो 500 तक। ट्रेंड ये था कि वो नए नोट 100-100 रुपये वाले, 50-50 रुपये वाले बच्चों को तो इतने ही दिए जाते थे कि ये घुमा देंगे, इन्होंने क्या करना है, टॉफियाँ चिंग में खानी है, आइसक्रीमें खानी है, बोतलें पीनी है, ये कॉन्सेप्ट होता था। वो वाली ईद ज़्यादा मज़े की होती थी, ये ईद ज़्यादा मज़ेदार है? वही बहुत अच्छी, इसमें ना एक जोड़ा बनता था, उसकी एक्साइटमेंट होती थी। और पहले बड़ों का एक होता था कि बड़े के अंदाज़ अलग, बड़े आ रहे हैं तो हमने तैयार होके उनके आने से पहले सलाम करना है, उनको मिलना है, फिर वो उन्होंने ईद ध्यान देनी है, प्यार लेना है, और बहुत एक अच्छी रवायत थी। हम तो सब मिलके बच्चे सब कब्रिस्तान भी जाया करते थे, बुज़ुर्गों की कब्रें धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं, ये भी पार्ट हिस्सा था। हम उन्हें भी नहीं भूलते थे कभी, अपने नेबर्स में सबसे पहले सुबह सुबह तैयार होके नेबर के दरवाज़ा खटका रहे हैं, ईद मुबारक, अब हम मीठा कुछ खा रहे हैं और पूरा एक चक्कर नेबर्स का लगा के आ रहे हैं। आजकल तो पता ही नहीं होता कि आपके साथ वाले घर में क्या हो रहा है, रिश्तों में लोगों में बहुत डिस्टेंस आ गए हैं, चीज़ें बड़ी अवेलेबिलिटी बड़ी जितनी ईजी होती जा रही है उसका चार्म ख़त्म होता जा रहा है। बड़ी कीमती लम्हात थे, बड़े खूबसूरत ईदें थी जो आज के बच्चों को मिस करते हैं। कौन सा एलिमेंट ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? अब यकीन माने ख़ानदान में सबका इकट्ठा होना और बड़ों का एक अलग ही रोल होता था, सारी रात खाने पक रहे हैं, पाए चढ़ाए हुए हैं, आज सुबह नाश्ता इकट्ठा होना है और उसके बाद रात को जो मेहंदियाँ हम सब इकट्ठे बैठ के लगाते थे, एक चूड़ियाँ पहन रहे हैं और एक जो वो एक फिर कार्ड्स लेना, ईद कार्ड लेना बड़ों के लिए, दुआओं वाले हाथ बने हुए दुआ के, आपस में कज़न्स एक दूसरे को कोई मजाया से शरारती से, और फिर कोई कज़न्स छुप छुप के कोई खुफिया कार्ड भी लेते होते थे। अच्छा, हाँ, और वो किसी स्पेशल के लिए परफ्यूम उस पर छिनक के भेजना, ये चीज़ें बड़ा इस चीज़ों के अलग एक आजकल एक फॉरवर्ड मैसेज है व्हाट्सएप पे आपने। अच्छा, मैं रुकूंगा, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, मुझे पूछना नहीं पड़ा। वो जो स्पेशल कार्ड आप खुशबू लगा के किसी स्पेशल को भेजा करती थी? मैं नहीं भेजती थी, मैं दूसरों की बात कर रही हूँ। अब हम मुझे फंसाने की कोशिश ना करें। नहीं, आपके दूसरे भी मेरा ख्याल साथ ही बैठे हुए हैं। कभी आपको वो खुशबू लगा के वो स्पेशल कार्ड इस तरफ से आया? देखिए, वो तो शायद नौबत नहीं आई, हाँ वो वाली तो नौबत नहीं आई, क्योंकि हम शादी हमारी झटपट हो गई थी तो इतना वो कोई बीच में वो वाला पीरियड नहीं आया, कोई सनसनी नहीं आई शादी के बाद। शादी बताते खुद एक बड़ा सनसनी की बात है, कहते हैं शादी को एक सनसनी केस बोला है। और उसमें मतलब जब हम इनके तरफ रिश्ता लेके गए थे तो नहीं, वैसे बाहर खुशगवार होता है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सनसनी खेज होता चला जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सनसनी फैल जाती है फिर जी। लेकिन ओवरऑल मतलब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है कि वी हैव बीन अ वेरी अंडरस्टैंडिंग कपल। और डे वन से हमारा एक ही असूल था कि अगर तुमसे गलती हो गई है तो तब भी तुम खुद ही मान जाना, और अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे भी तुम मना लेना। तो ये वाला असूल शुरू से चला। ये कह रहे हैं कि आप डोमिनेंट हैं। उसमें मेरा कसूर नहीं है, बीइंग राजपूत तो हमारे वो बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक है। वो अक्सर फिल्में भी होती हैं जिद्दी राजपूत, इसका मतलब आप जिद्दी राजपूत वाकई में इसी किस्म के होते हैं राजपूत। इन्होंने तो मुझे शादी वाले दिन पे देखो, मैं मनाने शराने वाला काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं राजपूत हूँ, मेरी बड़ी अना है, और अगर कभी हो नाराज हो तो तुम ही कुछ पहल कर लेना बोलने बालने में, अभी भी यही होता है। मैं कोई बात भी हो, मैं नाराज हूँ, तंग आके इनको पता होता है कि ये अब खुद कुछ बोलेगी, मनाएगी, इनिशिएटिव लेगी, तो मैं बात शुरू होगी। मनाने का अंदाज क्या होता है? आप कोई गाना वाना सुनाती हैं, कोई लतीफा सुनाती हैं,
कैसे सुहेल साहब को बताते हैं? मैं घूरी देती हूँ घूरी अब बस ठीक हो रहा है तो हो जाओ बंदा बस फिर मैं कश्मीरन बन जाऊंगी पहाड़ी उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं यू हैव टू फेस द म्यूजिक नहीं मैं उस वक्त तक क्योंकि अंदर से चाह ही रहा था कि मुझे मना ले अच्छा तो मैं थोड़ा इंतजार कर रहा था कब मुझे मनाने के लिए आएंगे और कब ऑलरेडी पिघले हुए बैठे की बात है कितनी भी लड़ाई हो ना हम जब एक दूसरे की तरफ देखे और आई कॉन्टेक्ट मेरी कोशिश होती है नाराजगी में आई कॉन्टेक्ट ना हो हमारी आई कॉन्टेक्ट हो जाए तो मैं हंस पड़ती हूँ ये भी हंस पड़ते हैं कहानी खत्म ढेर हो जाता है और कितनी खूबसूरत बात है कि आंखों के वार से ही जो है वो ढेर कर लेती हैं सुहेल साहब को और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जा रही है बड़ी मजे की गुफ्तगू जा रही है और मुझे बहुत मजा आ रहा है और बहुत सारे घरों में हम जो है वो इस ईद के शोज करेंगे मुख्तलिफ पर्सनैलिटी से मिलेंगे लेकिन इस घर के अंदर और इस घर की खास शख्सियत और उनके साथ जुड़ी हुई वाबस्ता जो शख्सियात हैं उनसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है उम्मीद है आपको भी इनकी बातें बहुत पसंद आ रही होगी एक क्विक ब्रेक लेते हैं जी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक वेयर्स ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा है कि सादिया साहिबा और सुहेल साहब की जो मिजाज आशनाई है वो बहुत ज़्यादा है और आंखों ही आंखों में ढेर भी कर लेते हैं एक दूसरे को तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू जारी थी मेरा ख्याल है वहीं से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी यकीनन उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे होंगे कि कुछ अंदर की बातें जाने ईद का मौका है और ईद पे अगर हम कोई ख़तरनाक सा सवाल कर लेंगे तो मेरा ख्याल है उसकी भी माफ़ी मिल जाएगी क्योंकि ईद तो खुशियों का त्यौहार होता है तो हमें इजाज़त है जी हम कोई ख़तरनाक सवाल भी कर सकते हैं इजाज़त है अच्छा बड़ा ओपनली आप और बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है ज़िंदगी खुली किताब है कभी कुछ छुपाया नहीं रियली चले मैं मेरा ख्याल वो सियासी हो नीम सियासी या गैर सियासी गुफ्तगू व्हाटएवर जो आप चाहें बिल्कुल नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इन दोनों को बाहर अंदर होना चाहिए जेलों में आपको एक ऑप्शन ले रहा है ना नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ किस चीज के लिए इनमें से एक कौन बेहतर है नवाज शरीफ नवाज मरियम नवाज या फिर हमजा शहबाज दोनों के लिए मेरे को इतने अच्छे नजरात नहीं है बहरहाल मरियम बीइंग अ वुमन अच्छा इसलिए उसको मालिश दे रही हैं फवाद चौधरी या शेख रशीद फवाद चौधरी शेख रशीद नहीं शेख रशीद साहब वफा जो थी हमारी पार्टी है ना अच्छा बिल्कुल सही है यानी वो इत्तेहादी नाराज भी हो सकते हैं शेख रशीद साहब बड़ा ब्लंट बोलते हैं हाँ नहीं बोलते हैं बहुत अच्छा है शेख रशीद साहब आगे खेलते हैं पीटीआई को बड़ा सपोर्ट करता है पब्लिक में बहुत ही फेमस है मैं जब पॉलिटिक्स में नहीं थी मैं लेकिन इमरान खान साहब के साथ सपोर्ट थी तो तब भी मैं दुबई में भी होती थी तो टैक्सी ड्राइवर कहते थे बाजी आप लोग शेख रशीद को ले लें वो बहुत ही अच्छा बंदा है उसके लिए सबके तासुरात गए थे अवामी इंसान है और बहुत लोग पसंद करते हैं लेकिन फवाद भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है बहुत अच्छा बोलता है जहांगीर तरीन या फिर शाह महमूद कुरैशी शाह महमूद कुरैशी महविश हयात या फिर सबा कमर दोनों तो ही बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है लेकिन सबा कमर क्लासिक एक्ट्रेस है अच्छा आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है बिल्कुल अच्छी एक्टिंग मुतासर करती है मैंने खुद भी ड्रामा किया है अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे और सबा कमर का जो एक बागी ड्रामा अभी चला था आउटस्टैंडिंग उस खातून की एक्टिंग कमाल और महविश भी मुझे खुशी ये होती है कि महविश ने कभी हमसाया ममालिक की जो उसको ऑफर्स थी वो ठुकरा के पाकिस्तान में काम करने को प्रेफर किया और इसी वजह से उन्हें अवार्ड से भी जो बहुत खुशी हुई मुझे उसके लिए बिल्कुल सही है एक्टिंग किया करती थी अब भी एक्टिंग करती हैं नहीं हाँ कभी कभी आप एक्टिंग करते हैं कभी कभी आपके दिल में बहुत कुछ होता है आप दुखी होते हैं लेकिन आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आपको मुस्कुराना भी पड़ता है हंसना भी पड़ता है और दिल भी रखना पड़ता है बेशक अंदर से आपके अपने अंदर जो मर्जी चल रहा हो मैं समझती हूँ ये भी एक्टिंग ही का हिस्सा होता है कोई मशहूर डायलॉग याद है कभी जवानी में या बचपन में जिसको बहुत ज़्यादा आप रिहर्स करती हूँ रिपीट करती हूँ साथ साथ वो एक तो मुस्तफा कुरैशी का बड़ा मजे का था नवा आए हैं सोनिया सुहेल साहब को कभी ये डायलॉग बोला है आपने हाँ डायलॉग्स तो कभी कभी मार देती होती हूँ डिफरेंट और क्या था मैं और भी दो चार जुमले याद नहीं रहता उसका वो था ना मौलेनु मौलाना मारे थे तो मामा ज्यादा अच्छी एक्टर हैं या बाबा ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है दोनों को वैसे मैंने ऑन स्टेज नहीं देखा मेरा ख्याल है रोज देखती हैं आप उनको मैंने हाँ
स्पीच करते हुए और लोगों को इंस्पायर करते हुए ज़रूर देखा है। एंड हर बार जब मैं मोस्टली इनके साथ होती हूँ इवेंट्स पर, जब मैं जाती हूँ मैं रोना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि मैं यू नो इंस्पायर हो जाती हूँ। मैं इनको कहती हूँ आप मेरी वंडर वुमन है। और उस टाइम मैंने बाबा को भी देखा हुआ है, जब दुबई में हम होते थे बाबा ने बहुत से टीवी शोज वगैरह किए थे, और दोनों में और बाबा होस्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, उनके ये बहुत अच्छे टैलेंट है। ही इतना ऑडियंस को गिरफ्त में ले लेते हैं ना कि हम सब बहुत इंजॉय करते हैं। दोनों में टैलेंट बहुत अच्छा है। आई कांट पिक एनी वन पर्सन। दोनों में बहुत अच्छा है, यानी बराबर का मुकाबला है। दे आर बिग इन्फ्लुएंस ऑन माय एक्टिंग एज वेल। बिल्कुल सही है। तो जरा देना सुहेल साहब को माइक, अभी पता चल जाता है नवा है सोना। सर काउंटर तो होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन उनते काफी पुराना हो गया। नहीं नहीं, वो वेरी सिंपल, ये कुछ मेरे अंदर भी बिल्ट इन करेक्टर था हमेशा से ही। वेटनरी यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था तो हमने ड्रामा किया था, जो कि कॉलेज की हिस्ट्री में तकरीबन 60 साल बाद दोबारा ड्रामा हुआ। एंड इट वॉज सो हिट, दो दिन हाउसफुल रहा था, तो वो भी एक ज़बरदस्त था। लेकिन कंपेयरिंग मेरा पैशन है, आई लव कंपेयरिंग, लाइव कंपेयरिंग ऑन द स्टेज, लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन। जी, लाइव ऑडियंस के साथ। और दुबई में चल रहा है आपकी गुफ्तगू से, आप बड़े स्पॉन्टेनियस हैं। जी जी, दुबई में ग्लोबल विलेज में हमने बहुत काम किया, पाकिस्तान को पहली बार अवार्ड मिला और इंडिया को हराया हमने दुबई में ऑन कल्चरल एक्टिविटीज़ के ऊपर। आप सादिया साहिबा खुद एक पॉलिटिकल फिगर हैं और सियासत में ऑब्वियसली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हल्के के लोग, फिर सोशलाइज करना, लोगों से मिलना और फिर पार्टी के लोगों से मिलना, तो कैसे आप इसमें कॉप अप कर लेते हैं? नहीं, उसमें हम तंग होते हैं ऑनेस्टली, मतलब कभी कभी हम चिढ़ भी जाते हैं, मैं बेटी दोनों हम, बिकॉज जब हमें इनसे टाइम नहीं उस वक्त पूरा मिलता और कंटिन्यूस लोग आते ही रहते हैं, घंटियाँ बजती रहती हैं, वो अपने मसले मसाइल लेके आ रहे होते हैं, तो वी रियली आ जाते हैं। हाँ, वी रियली गेट फेड अप सम टाइम, और फिर हम रिएक्ट भी करते हैं और उस वक्त ये फिर प्यार से मना भी लेती हैं, लेकिन इट डिस्टर्ब होती है लाइफ फैक्चुअल। उसमें प्यार से मनाने का अंदाज तो बहुत ही मीठा, मिठास भरा है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जी, एक ब्रेक लेते हैं और मेहमानों का तांता भी बंधा हुआ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ब्रेक के बाद कुछ और लोगों को भी शामिल करेंगे, उनसे जानेंगे कि सादिया साहिबा के अंदर क्या खास बात है, क्यों इनके घर पे आते हैं ईद मिलने के लिए, खिंचे चले आते हैं, कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे जिस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे जी, और ब्रेक के बाद हमें चंद और मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया है, इनका तारुफ क्या है ये सादिया साहिबा से पूछते हैं। मैडम, अभी कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं? ये कोमल हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, बहनों जैसी फ्रेंड है, उनकी बेटी। और अब पहले पेशावर होते थे, दुबई भी हम इकट्ठे होते थे, फिर पेशावर होती थी ये, फिर आप ये लोग लाहौर शिफ्ट हो गए, यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। और बेटी से तो है, मेरा भांजा है और उबैदा, मोहम्मद उबैदा खान, और मेरा बहुत लाडला भांजा। और ये रूटीन है कि हर ईद पे आया करते हैं पूरी फैमिली जनाब मेरी तरफ आती है। अच्छा, क्या खास बात है इनमें कि आप खींचे चले आते हैं? ऑब्वियसली बड़ी खाला है, आना पड़ता है। अच्छा, काफी प्यार है उनसे, सब कुछ प्यार ही है, या वो बहुत प्यार है, ईदी ज्यादा मिल जाती है ये भी है। अच्छा, कितनी ईदी मिलती है इनसे? वो डिपेंड करता है, हर ईद पे डिफरेंट। खुद देती है या मांगनी पड़ती है? खुद देती है, होता नहीं है वैसे। yeah. अच्छा, माइक पास ऑन गिरे ना जी, क्या कह रहे हो? ये कहता कि मांगने के बगैर भी मज़ा नहीं होता, लेकिन वैसे खाला के साथ ना इट्स नॉट अबाउट ईद, हर दिन ही ईद की तरह होता है, इनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ये देख के पहचान लेती है कि इनको हमें कुछ चीज़ की नीड है। इनका जो मुँह है वो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ईदी वाला लग रहा है, खाने वाला लग रहा है। आप यकीन माने पूरे दिन की थकी हुई आएंगी ना, तो वो हमारी शक्ल देख के कहेंगे तुम लोग कहीं जाने के दिल कर रहे हैं, हम कहेंगे नहीं नहीं आप बैठ जाएं, कहेंगे चलो अभी चलो। फॉरेन बाय कैसे है ये, कौन सी चाय पीती हैं आप? ये एक्टिव कैसे रहती है और सोशलाइज कैसे कर लेती हैं आप? अगर जज्बा हो ना आपको कुछ करने का, मेरे ना हर एक का एक मेरी अपनी सोशल एक्टिविटी है, मेरा पॉलिटिक्स है, मेरा काम है, लेकिन मेरे पे एज ए फैमिली, एज ए बेटी, एज ए खाला, हर रिलेशन को बहुत सारी मैं बहुत इम्पोर्टेंस मेरे में है, मैं देती हूँ रिश्तों को टाइम, मेरे नज़दीक रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपकी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है,
वो अब आराम करके आप ब्यूटी पार्लरों में और इधर उधर टाइम कर ज़ाया करने के बजाय, मेरा ये कोशिश होती है मैं इनकी शक्लें देख लेती हूँ कि ये सारा दिन से घर बैठे हैं, मैं आई हूँ अभी, मैं थक कर आई हूँ, पर इनका दिल चाहता है हम निकल के दूसरी बेटी के घर, मेरी बड़ी बहन के घर, मेरे अबू के घर, या अबू और आ जाते हैं, सबको पता होता है मैं रात को आती हूँ, तो रात को यहाँ एक महफिल लग जाती है, सारे मित्र आ जाते हैं, फिर लेट तक बैठते हैं, वो फिर ये कि मुझे तो खुद पसंद है इंसानों में रहना। ऐसे लोग मुझे लगता है कि अब नापैद होते जा रहे हैं, आप जैसे लोग ना मादूम होते जा रहे हैं, बिल्कुल क्या मैं हैरान हूँ, ये जो स्पीशी है ना बिल्कुल खत्म होती जा रही है। मैं हैरान हूँ कि लोग मेहमानों से घबराते हैं, रिश्तेदारों के आने पर मुंह बन जाते हैं, और किसी को खाना खिलाना पड़ जाए तो और इशू। ईद के मौके पर तो खासतौर पर लिहाफ लेके सो जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे ईद पे सोना और फिल्में देखना सबसे नापसंदीदा मेरा है, कि मैं खाना सारा खुद बनाती हूँ ईद पे, अपने जब सब बैठते हैं इकट्ठे होते हैं रात गए तक, जब चाय चल रही है खाने के बाद गप्पे लगी हैं तो महफिल ख़त्म, माशाल्लाह सुबह ही ख़त्म होती है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मुझे रौनक अच्छी, इंसानों से रौनक होती है, घर आबाद अच्छे लगते हैं, और मुझे हैरत होती है कि लोग किस तरह सो के, ये आपका इनाम होता है ईद, रोज़े आपने रखे हैं, बातें की हैं, लगता नहीं मतलब आप MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात है, असम्बली में जाते हैं, लोगों से ख़िताब करते हैं, और उसके बाद फिर मतलब लगता नहीं कि मैं तो बस अभी नहीं, मैं तो अल्लाह से दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह कोई ऐसा उदा ना दे जो दिमाग ख़राब कर दे, जो आपको, जो आप जब आप अपने आप को अरश में महसूस करें, हम इंसान हैं, हमारी इतनी भी औकात नहीं कि हम एक सांस लेते हैं दूसरे पे इख्तियार नहीं है, तो ये तो अल्लाह ताला का, मैं तो इस काबिल नहीं समझती कि मैं थी कि मुझे जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, ये मेरे अल्लाह का करम है, और उसको कहते ना कभी अल्लाह दे के आजमाता और कभी ले के, और जिनको देता है उनकी आजमाइश बड़ी सख्त होती है, तो अल्लाह से 10 बार डर कर, तकब्बुर जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है मैं सिर्फ खाला को देख रहा हूँ कि जैसी उनकी पर्सनालिटी है, आई डोंट थिंक उनको कोई भी ओहदा मिल जाए तो उनकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती, चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुझे भी अब ऐसा महसूस हो रहा है, हमेशा से ऐसी स्ट्रांग पर्सनालिटी वाला फिर वो नहीं चेंज हो सकता। अच्छा, जो हमेशा से अच्छा हो फिर वो अच्छा ही रहता है। आपको एज अ पोलिटिकल लीडर ज़्यादा पसंद है ये बतौर सियासतदान पसंद है, या खाला के रूप में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एक दोस्त बन के अच्छी लगती हैं, कैसे अच्छी लगती हैं? मुझे ये एज अ ह्यूमन बींग पसंद है, क्योंकि इन्हें कोई भी रूप लेना हो बहुत अच्छे तरीके से ले लेती है, इन्हें पॉलिटिशियन बनना हो तो वो सब कुछ परफेक्टली चला रही होती हैं, कभी अपनी शक्ल पे फ्राउन नहीं लाएंगी कि मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है, और आप यकीन माने हम लोग कभी कहते हैं खाला 10 मिनट के लिए फ़ोन बंद कर दें, वो कहती हैं नहीं पता नहीं कितनी मुसीबत में उसने मुझे कॉल की होगी, उसको हेल्प चाहिए होगी, और फिर जब मदर बनने की बात होती है तो वो हमें फ़ौरन बाहर ले जाती हैं, कभी उन्हें कभी आप यकीन माने हमने पराठा खाने का दिल करो ना हमें इनके हाथ का सिर्फ पसंद है, होते तो बहुत लोग हैं बनाने वाले लेकिन हम कहते हैं हमें बना दें, और फिर रात के 1 बज रहे हो जो मर्जी टाइम हो वो जाके ना। तो कभी आपने खाला के नाम की तड़ी नहीं लगाई बाहर किसी को? बहुत लगाते हैं बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और उसके बाद खाला आती है मौला जट बन के मेरे ख्याल से आज तक वैसे कभी हमने ऐसी, क्योंकि वो डायलॉग हमने सुने हैं मौला जट के डायलॉग याद है लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ी, और वैसे भी हमें पता है कि अगर गलत का अगर हम गलत होंगे तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली, बिल्कुल सही, लेकिन अगर हम ठीक होंगे तो फिर वो एक माइक देना। कोमल साहब बड़ी खामोश बैठी हुई हैं, आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है इनकी? वैसे खाला तो मेरी स्टार्ट से आइडियल रह चुकी है। अच्छा, क्योंकि मैं कहती हूँ कि बनना है तो इनकी तरह बनना है। अच्छा जी, आपका भी इरादा तो नहीं है PTI ज्वाइन करने का? नहीं, या पॉलिटिक्स में आने का नहीं, लेकिन मुझे इनकी तरह बनना है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से हट के भी काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा करती है, लाइक चाहे रिश्ते हो जो भी हो, खाला हमारी दोस्त भी हैं, खाला भी हैं, एज अ पॉलिटिकल लीडर भी हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, लाइक सब कुछ है। अच्छा, सारी क्वालिटीज़ हैं। मैंने इनसे तो पूछा है, आप मुझे बताएं कि आपको नवाज शरीफ ज़्यादा पसंद है, इमरान खान ज़्यादा पसंद है? इमरान खान ऑब्वियसली। क्या वजह है, खास बात खाला है? नो, वो तो हमारे खाला नहीं है। नहीं, खाला की उनके साथ वाबस्तगी जो है ना जवाब से, इमरान खान बस है, उनमें ऐसी क्वालिटीज हैं जो लोग तो कह रहे हैं महंगाई हो गई है, परेशान है लोग, रमजान भर गिरा फरोशी और ये वो सब, पाने के लिए कुछ खाना भी पड़ता है। अच्छा, अब मुल्क का पैसा, कहते हैं कि PTI जो कह रही है कि ये कर देते हैं हम, वो कर देते हैं हम, आ जाते इक्तदार में जितने क्लेम्स किए थे वो हो तो रहा नहीं है, IMF के पास चले गए और बला बला इस तरह की बातें, एकदम से तो सब कुछ चेंज नहीं। लोग आपसे पूछते होंगे ना कि आप तो PTI वाले हैं तो कैसे फिर डिफेंड करते हैं? सब इंशाल्लाह चेंज होगा। आपको लगता है, आप मुतमईन है कि चेंज आएगा? जी इंशाल्लाह। लग रहा है आपको?
इंशाल्लाह आएगा चेंज। आपको लगता है चेंज आ जाएगा? बिल्कुल, मुझे इसी तरह यकीन है कि जैसे ये आप बैठे मेरे सामने और मैं आपके सामने, क्योंकि मुझे यकीन है मैंने इमरान खान साहब के साथ 16 साल रफाकत है और उसमें जो मैंने उनको देखा है कि एक तो वो जो करना चाहते हैं करके रहते हैं, दूसरा वो एक चीज़ जो बहुत उनको मुनफरद बनाती है कि वो इस मुल्क से बेनतहा मोहब्बत करते हैं और वो वाकई लोगों के लिए करना चाहते हैं, उनकी नीयत खालिस है, इरादे मजबूत हैं और बाकी ये कि छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये मसाइल जो हैं हैं और ये बहुत जल्दी हम इससे गुजर जाएंगे और इंशाल्लाह ताला यही चैनल्स होंगे, यही आप लोग होंगे जो तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। बिल्कुल सही है जी, हमने कोशिश की कोई सियासी टच भी दें गुफ्तगू के अंदर। मैडम जाते जाते कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए, लाहौरियों के लिए, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए कि ईद को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए इन ट्रू स्पिरिट, और ओवरऑल जो लोग परेशान हैं सियासी माहौल को लेकर और ओवरऑल क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगी? देखिए एक तो आपको ईद की खुशियों का मकसद यही होता है कि रमज़ान एक ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने नफ्स की ट्रेनिंग करते हैं, दूसरे की भूख को महसूस करते हैं, दूसरे की मजबूरी को महसूस करने के लिए एक ट्रेनिंग सेशन है। इससे नतीजा यही है कि ईद की खुशियों मनाएं ज़रूर, अल्लाह ने आपको दिया है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल ना भूलें कि जो इन खुशियों से महरूम हैं या दूर हैं, जिनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है। वो जो अगर आप दो जोड़े अपने बच्चों के लिए बनाते हैं तो दो ऐसे बच्चों को भी बना दें कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी खुशियाँ बाँटें, जितनी आप खुशियाँ बाँटेंगे उतनी बढ़ेंगी, और गम बांटने से कम होता और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज, बिल्कुल। और अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अजीम कौमें वही होती हैं जो अपने लीडरों के साथ खड़ी हो जाती हैं। मुश्किल वक्त हम गुजार लेंगे एक बार, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पहुंचाना ही है सफ़े अव्वल पर, पहुँचा के रहेगा इंशाल्लाह जी। और हम सब की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, आपकी जमात से वाबस्ता हैं कि सब ऐसे ही होगा और ईद एहसास का नाम है जी, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। इस खूबसूरत से मैसेज से अभी सादिया सुहेल साहब से हम इजाज़त चाह रहे हैं, बहुत सारा वक्त इनका लिया है ईद के मौके पर जब मेहमानों का तांता बना हुआ है तो हम हाईजेक करके बैठे हुए इनके ड्राइंग रूम को, इनसे इजाज़त लेते हैं। मैडम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर प्रेशियस टाइम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है जी। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर किसी और पर्सनालिटी के घर में घुसने की कोशिश करेंगे, उनसे बातें करेंगे खट्टी मीठी सी इस मीठी ईद के मौके पे, और बताएंगे कि वो अपनी ईद कैसे स्पेंड कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही जी, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।